मोदी केयर योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस कवर देने के बाद अब मोदी सरकार की निगाहें कामगारों पर हैं। लोकसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरने की तैयारी में जुटी मोदी हुकूमत अब यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाने की तैयारी में है और इस योजना के तहत मुल्क के 50 करोड़ कामगारों को पेंशन, मेडिकल कवर और बेरोजगारी भत्ता देने जैसे दर्जनों अहम जो है वो सहूलियात उसमें फराहम कराई जाएंगी और उसकी हिकमत अमली जो है वो बनाई जा रही है, उसके ऊपर काम जो है वो शुरू हो चुका है। और इसके लिए पीएमओ ने लेबर मिनिस्ट्री की तजावीज को हरी झंडी दे दी है। अब लेबर और फाइनेंस मिनिस्ट्री इस स्कीम का जल्द ऐलान करने की तैयारियों में जो है वो जुट गई है। पीएमओ के जरिए इस तजवीज में मुल्क के 40% कामगारों को इस स्कीम का जो है वो सीधा और बाकी को यानी बाकी 60% कामगारों को इसका इनडायरेक्ट वे में उनको फायदा पहुंचेगा और इस स्कीम पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। योजना का फायदा जरई शोबों से जुड़े कामगारों को भी मिलेगा। इसके तहत लाभार्थियों को यानी जिनको फायदा मिलेगा उनको फिक्स पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, मैटरनिटी, मेडिकल, माजूर भत्ता, पीएफ और ग्रुप इंश्योरेंस जैसी सहूलियात जो है वो मुहैया कराई जाएंगी। मसौदे में खासतौर से गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी बसर कर रहे लोगों को इस स्कीम से जोड़ने का मंसूबा है। मोदी हुकूमत इस स्कीम को आम इंतखाबात से पहले लॉन्च करने की तैयारी कर रही है ताकि वो इसका सियासी फायदा भी उठा सके।